बट देन आई शिफ्टेड टू अ डिफरेंट स्कूल इन 11th, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स का मारना अलाउड ही नहीं था और मेरे को बहुत टाइम लगा वहाँ एडजस्ट होने में. पहले टीचर मीटिंग में मेरे टीचर ने मेरे पापा को बोला कि कैसा लड़का है आपका ये, मैं कुछ भी डांटता हूँ गांड आगे कर देता है यार ये. I went to a school in Agra. So it's a Catholic school, only boys Catholic school, जो बहुत proudly advertise करते थे कि this school has zero student bullying. यहाँ पे कोई भी student दूसरे student को bully नहीं करता है. और वो बाद में हमें पता चला क्योंकि teachers इतनी बुरी तरह मारते थे कि students का कोई scope ही नहीं बचता था. सब ऐसे बस दर्द में घूमते रहते थे, जैसे gym में leg day के बाद नहीं घूमते रहते हैं. तो क्या ही मारेंगे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को, पेन किलर देते रहते थे कि ये ले भाई खा ले. हम लोग स्कूल में बहुत वो करा करते थे. और पता है हम लोगों को किसी को आइडिया नहीं था कि ये गलत है. हम सबको लगता कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं होता. हमें लगता था सीम्स जस्टिफाइड, मुंह से टॉकिंग कर रहा था, मुंह पे स्केल मार दिया मैम ने. ऐसी तो होता है, लैंड ऑफ जस्टिस है भाई ये तो. चोरी करो तो हाथ काट देते. Our parents also had no issues with it. We would come back home with bleeding lips. वो कहते थे अरे talking कर रहे थे क्या तुम? बात तो नहीं बहुत हो यार, तुम बहुत बातें करते हो. I am living proof कि corporal punishment पीटने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा स्कूल में talking के लिए ही मार खाई है. मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखो ये नहीं है इफेक्टिव. I should specify though, अगर मैं आपको बताऊं कि वो बच्चे क्या टॉकिंग कर रहे होते थे तो आप भी मारोगे. क्योंकि दिस वॉज अ बॉय स्कूल जिसमें बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते थे. तो अब मुझे पता नहीं कि वो हमें शुरू से मार रहे थे इसलिए हम बेशरम हो गए थे, या फिर हम बेशरम स्टार्टिंग से ही थे इसलिए वो पीटते थे. बट फोर्थ क्लास के बच्चे ऐसे लड़ू चंद कर घूमते रहते थे. टीचर्स मारेंगे भाई. बहुत ही खतरनाक था. हालांकि एक बहुत अच्छा विंडो होता था स्कूल में, जिसमें एक नया टीचर जब आता था ना तो उसको आइडिया नहीं होता था कि यहाँ पे मैं पीट के अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकता हूँ. तो वो एक महीना उस टीचर को सब बुली करते थे, फिर जैसे वो पीटना सीख जाता था तो फिर सब छांट जाते थे. तो ये लीड करने के लिए हमारी क्लास में एक हमेशा एक बड़ा सा राक्षस सा बच्चा था जिसकी 8th स्टैंडर्ड में फुल दाढ़ी आती थी भाई. वो डिजाइन विजाइन बना लेता था. हम सब साइकिल पे आते थे, स्कूल में अपाचे से आता था वो और डिजाइन में अपाचे का लोगो बना दिया करता था यहाँ पे. तो वो हमेशा लीड करता था एक नए टीचर की रैगिंग, ठीक है. तो वो हमेशा ऐसे चौक फेंकता था जब वो नए वाले सर पढ़ा रहे होते थे. तो वो पढ़ा रहे फिर उसने रियलाइज करा चौक से ढंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसने बोर्ड पे अचार फेंकना शुरू कर दिया. और हम समझे नहीं क्यों, फिर बाद में समझ में आया क्योंकि अचार बोर्ड पे उस पर चिपक जाता था. वो अचार धीरे धीरे करके नीचे खिसता था और टीचर का गुस्सा एकदम धीरे धीरे करके ऊपर बैठा था करता था. तो एक बार टीचर बहुत इरिटेट हो गया कि भैंस में पढ़ाने आता हूं जब देखो सिर के किस मिलाती रहती यार बोर्ड पे. तो वो गुस्से में गया और क्योंकि सर ये वाले सर नए से थे ना, तो ये अनट्रेन्ड फाइटर थे, तो इनको फाइटिंग के एटिकेट्स नहीं पता थे. जैसे आप अगर किसी चश्मे वाले को थप्पड़ मारते हो तो पहले प्रोटोकॉल होता है कि आप उसका चश्मा उतारते हो फिर उसके बाद थप्पड़ मारते हो. ये कुछ नहीं एकदम ऐसे करके थप्पड़ मार दिया उन्होंने, तो वो अपाचे का चश्मा टूट गया और यहाँ से खून निकलने लग गया. तो उसने टीचर को देखा, कहता है छुट्टी तक का टाइम है तेरे पास, जितना जीना है जी ले भैंचोद. और हम बाकी सब स्टूडेंट्स ऐसे रैपर्स के बैकग्राउंड में ओ कोई ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि उसने भैंचोद बोले क्लास में. सब उसकी थ्रेट की पोएट्री वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई क्या बोला है. कि उसने ही नहीं बोला मैं तेरे को पीटूंगा, उसने डॉक्टर की तरह उनको बताया कि तुम्हारे पास इतना टाइम बचा है, सारी FD तोड़वा लो, घर पे फोन मिला लो. तो छुट्टी के एंड में मैंने देखा ऐसे उसके कुछ गुंडे 40 सब अपाचे पे आए, सब भेजो इतने बड़े बड़े राक्षस लग रहे जा रहे हैं. वो सारे के सारे ऐसे लग रहा था कि ये बाद में इस स्कूल में ही टीचर बनेंगे.
तो वो आए और वो खड़े हो गए और फिर वो टीचर ने बोला सॉरी. तो फिर वो अपाचे ने उनको बोला कि देखो मारना तुम्हारा काम है, बट अगली बार जब थप्पड़ मारोगे तो उसने सर का चश्मा उतारा, कहता है तो चश्मा उतार के मारना. और ये एकदम डॉन लेवल इम्प्रेसिव था भाई कि तुमने कुछ गलत नहीं करा है बट मैं आगे के लिए तुम्हें प्रोटोकॉल सिखा रहा हूँ. बट ये सिर्फ नए टीचर के साथ ही पॉसिबल था, तुम क्योंकि पुराने टीचर सारे ऐसे थे जिनके तुमने रूमर्स भी ऐसे क्रिमिनल से ही सुने थे कि ये फिजिक्स पढ़ाने से पहले आगरा में वसूली का काम करते थे. एक टीचर के अराउंड रूमर था कि इनने शायद अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और हम सोचते थे क्या वाइफ भी होमवर्क नहीं करती थी. एक टीचर थे हमारे बॉन्जोर सर, जो एक स्पेसिफिक केन रखते थे कि उनकी केन नॉर्मल केन थी, उसका नाम था ब्लैक कोबरा क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक इलेक्ट्रिक टेप लगाया हुआ था. तो वो मारने से पहले हर स्टूडेंट को बोलते थे बेंड डाउन टच योर टोज ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाए पीछे मारे जब वो, और उसमें जोर से मारते थे. कई बार अगर कोई लड़की आगरा की हमारे स्कूल के एक से ज्यादा लड़के के साथ हुकअप करती थी तो वो कहती थी यार तुम सब लोगों को सेम बर्थमार्क कैसे है, सबके यहाँ पे लाइन है ये क्या. अरे तो बॉन्जर सर का सिग्नेचर है एक्चुअली. फिर कोई एक जीनियस लड़का था जिसने ये फिगर आउट कर लेते कि अगर बॉन्जर सर के मारने से पहले तुम उनके पैर छू लो तो वो थोड़ा कम जोर से मारते हैं. तो फुल क्लास जाके बस सबके पैर छूने लग जाते हैं. और मुझे लगता है कि हम तो बच्चे थे, देखो हमें इसमें कुछ नहीं समझ में आया, हमारे पेरेंट्स को इसमें कुछ छेड़ ही नहीं लगता था कि मैं स्कूल जाके बोल रहा हूँ कि आज बॉन्जोर सर ने अपने ब्लैक कोबरा से मुझे मारा, उन्होंने पहले मुझे बेंड करने बोला, फिर बहुत दर्द हुआ, बट अगर पहले आप बॉन्जोर सर को छू लो तो वो थोड़ा कम दर्द होता है. इसमें किसी को कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए था ना एट सम पॉइंट. तो बहुत मारते थे वो, मैथ्स पढ़ाते थे और वो क्या करते थे हर समर ब्रेक से पहले ऐसे आपको 100 क्वेश्चंस दे देंगे कि समर ब्रेक के बाद आपको सॉल्व करके लाने, आपने जितने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करें उतनी बार आपको मारेंगे. तो अगर आपकी मैथ्स खराब है आप पुटोगे तो है ही, आप एस्टिमेट भी नहीं लगा पाओगे कि मैं कितनी मार खाने वाला हूँ. उस बेंच करके खाए जा रहे कि फक यार क्या. तो समर ब्रेक से जस्ट पहले पता नहीं किसी जगह पे फ्लड आया था तो हमारी टीचर बोल रही थी कि बच्चों तुम लोग सब प्रे करना, बच्चों की प्रेयर में बहुत ताकत होती है. तो मैं सबको इकट्ठा करा कि भाई अगर हमारी प्रेयर में इतनी ताकत है भैंसों हम अपने लिए ही प्रे कर लेते फिर. अगर हम सब मिल के प्रे करें कि बॉन्जो सर का हाथ ही टूट जाए तो कैसे मारेंगे फिर, तो उठा ही नहीं पाएंगे ब्लैक कोबरा को. सबने कहा हाँ भाई ठीक है आइडिया तो लग रहा है ट्राई करके देखते हैं. तो सब भैंसों सारे बच्चे पूरे समर ब्रेक में ओपालन हारे उनका हाथ तोड़ दें, पर से भगवान देख रहे कि भाई ये कैसे बच्चे हैं, फोर्थ में लौड़ू चंद बोलते हैं अभी कह रहे हाथ तोड़ दो. और फिर हम समर ब्रेक के बाद गए, स्कूल खुला और बॉन्जो सर के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, उनका हाथ टूटा हुआ था. भाई मेरे को सब लोगों ने ऐसे हीरो बना दिया कि चिराग की पावर अनलॉक हो गई सारी की सारी. उठा लो इसको, पिकाचू से रायचू बन गए, नेक्स्ट क्या करना है बता दो. मैं भी बहुत प्राउड था अंटिल ही स्टार्टेड चेकिंग द कॉपीज. और फिर जिस जिसने सॉल्व नहीं करा था बॉन्जो सर ने उनको अपने प्लास्टर से मारा. Which was worse. क्योंकि पहले जब वो मार रहे होते थे तो उसमें तो हमें बस खड़ा रहना होता था, मार खानी होती थी. इसमें जब ये मार रहे तो हमें खुद भैंस जाके हाथ मारने पड़ रहे थे उनका, ऐसे विधवा औरतों की तरह चूड़ियां तोड़ रहे उनके हाथ पे ऐसे लग रहा है. उस दिन हमारे स्कूल में पहली बार स्टूडेंट बुलिंग हुई क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने मेरी गांड मारी मिलकर की भैंस अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा है इसने. बट देन आई शिफ्टेड टू अ डिफरेंट स्कूल इन 11th, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स का मारना अलाउड ही नहीं था और मेरे को बहुत टाइम लगा वहाँ एडजस्ट होने में. पहले टीचर मीटिंग में मेरी टीचर ने मेरे पापा को बोला कि कैसा लड़का है आपका ये, मैं कुछ भी डांटता हूँ गांड आगे कर देता है यार ये क्या है, ये एक्टर बनना है इसको, क्या क्या करना चाह रही है. उस दिन मैं इसको बोला डोंट टॉक तो ऐसे माधुरी दीक्षित की तरह आ गया मेरे पास. हम आपके हैं उनका पोज ले लिया इसने. बट दैट स्कूल बिकॉज इट डिड नॉट हैव टीचर बुलिंग, वहां पे स्टूडेंट बुलिंग होती थी विच फेल्ट वर्स. क्योंकि जब टीचर्स आपको पीट रहे होते हैं एक बेसिक तमीज रखते हैं, है ना, कि केन से मारेंगे, टट्टों पे थप्पड़ नहीं मारेंगे, ये सब कुछ रखते हैं वो लोग. एक डेकोरम रहता है टीचर्स की पिटाई में कि आपको पीटते टाइम तो नहीं बोलते हैं वो.
यू नो व्हाई इट फेल्ट वर्स, क्योंकि अगर आप एक टीचर से मार खा रहे हो तो आपका ईगो इंटैक्ट रहता है, आपका ईगो हर्ट नहीं होता है उसमें, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूज होता है कि ये जो मेरे को पीट रहा है मेरे से 30 साल बड़ा है, यहाँ पे तुम्हारी किसने मार लगाई, रोल नंबर 15 ने। कौन है रोल नंबर 15? सृष्टि। सृष्टि मेरे को बहुत मारती थी बट बहुत प्यार भी करती थी। आई एक्चुअली डेटेड अ बुली ऑफ माइन विच इज वेरी कन्फ्यूजिंग इमोशनली, इतना वैसा होता था कि आप सोचो एक सुंदर लड़की आपके पास आके कह रही आई लव यू, बहन के लड़ने लगते हैं। सॉरी लव यू टू मैम। बट उधर क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट बुलिंग में क्या होता था, आपको कोई आके आपका कोई फ्लॉ पकड़ेगा उस पर बेंचो चार जोक मारेगा, फिर आप उसको स्कैन करके उसमें कुछ गड़बड़ निकालो कि तेरे तो कान बड़े, तू तो हाथी की तरह उड़ जाएगा, कुछ करो। और फिर आप दोनों एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आ जाते थे कि जैसे कंट्रीज नहीं आ जाते कि हम दोनों के पास एटम बम है, दोनों किसी को कुछ नहीं करेंगे, अब एक थर्ड टारगेट ढूंढते हैं। लेकिन एक लड़का था नमन, ठीक है, जो मेरे पे वही सेम है, जो हाइट के जो किसी तू तो खड़े खड़े ब्लो जॉब दे देगा, ऐसा कुछ सुनता रहता था मैं बचपन से, ये 50 सुनता आया मैं। बट मेरे को कुछ काउंटर अटैक ही नहीं मिल रहा था नमन में, क्योंकि इतना परफेक्ट था नमन कि वो दिखने में बढ़िया था, कन्वेंशनली एकदम गुड लुकिंग, गोरा लंबा चौड़ा सा, पढ़ाई में अच्छा था, तो वो भी नहीं कर सकते कि तू तो डस्टबिन में बड़ा होएगा, गरीब होएगा तू आगे जाके बिना एसी के सोने के आता, कुछ नहीं कर सकते थे। वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, तेज भागता था, लॉन्ग जंप शॉर्ट जंप सब कर लिया करता था, तो मैं एकदम बस ऐसे बैठा रहता था पूरे ऐसे, मैंने 11th सोचता रहा कि क्या मैं एकदम एग्जाम खराब कर दी, कि क्या फ्लो है भाई नमन में, क्या फ्लो है भैंस, मैं कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर मैंने रियलाइज़ करा क्योंकि वो बहुत गोरा था और प्यूबर्टी आ रही थी तो उसको एक्ने आए हुए थे, ठीक है, तो मैं उसको बोला कि ये इतना गोरा और एक्ने, ऐसा लगता है बूंदी का रायता है ये। विच बॉदर्ड हिम अ लॉट, क्योंकि वो और गुस्सा होता था अगर वो फिर वो लॉन्ग जंप शॉर्ट जंप कुछ कर रहे, लोग कहते थे देखो देखो बूंदी उछल रही है, शॉर्ट पुट कर रहे, कह रहे बूंदी के हाथ में स्टील की बूंदी, लोग चेयर कर रहे थे, वो भाग रहे बूंदी बूंदी। और फिर वो गुस्से में आके भड़कता था, क्या बोल रहे मेरे को, कहते थे रायता फैल गया भाई, रायता फैल गया, फैल गया, फैल गया रायता। उस दिन मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई अगर शिद्दत से चाहो तो कोई भी बुली बन सकता है, क्योंकि मेरे को नमन ने भी आके बोला कि वेल डन, अब हम थर्ड टारगेट ढूंढते हैं।